अगर आप किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट को ओपन करना चाहते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है अगले 5 साल तक के लिए, यही चीज हम आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को यूज करके, जो कि मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे बनाया हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट एक तरीके का डिपॉजिट होता है जहां पे आप एक प्री डिफाइंड अमाउंट को डिपॉजिट करते हो किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और आपको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है जो कि एक प्री डिफाइंड इंटरेस्ट होता है। अब जो भी आपका टेन्योर हो, वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स रहता है। समझो अगर आपने 1 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट को ओपन किया है तो उतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि आपको कहा गया है। बीच में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप FD को बुक करते हो तो जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिखाया जाता है वो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटीड अमाउंट होता है। आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो क्योंकि अंडर सेक्शन 80C अगर आप 5 साल का फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो जो कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है, तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक डिडक्शन लिमिट मिलती है सेक्शन 80C के तहत, जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि समझो अगर आपने 7 दिन का फिक्स डिपॉजिट ओपन किया है तो आपको ज्यादातर ये दिखता है कि 3% का इंटरेस्ट रेट है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 3% आपको 7 दिन में नहीं मिलने वाले, लेकिन ये जो 3% है ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है। यानी कि आपको इस साल का इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से ताकि आपको 1 दिन का इंटरेस्ट रेट मिले, और फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 डेज से या फिर 45 डेज से या फिर जितने भी डेज के लिए आप अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, उतने डेज से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि आपको उतने दिन का इंटरेस्ट रेट मिले। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन भी हम देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने FD कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एक्सेल शीट में हम देखेंगे कि अगर आपकी FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आपका जो अमाउंट है 10,000 रुपए का है, तो इतने समय के लिए इनके क्या इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं और कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है, वो हम यहाँ पे डालकर चेक करने वाले हैं। इसके अलावा आपको प्रॉफिट कितना मिला है वो भी हम चेक करने वाले हैं। तो हमारा FD कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं ये मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि हम ये वाला FD कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं FD कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो न्यू विंडो में ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको डालकर आप चेक कर सकते हो कि आपको इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितने लंबे समय के लिए यानी कि टेन्योर के लिए आप फिक्स डिपॉजिट को बुक करना चाहते हो। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए जैसे कि आप देख सकते हो 7 to 45 डेज के लिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% का है। दोस्तों ये सारे इंटरेस्ट रेट जो है ये मैंने करंटली जो SBI का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वहां से उठाए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7 days to 45 days आपका 3% का इंटरेस्ट रेट है, तो रिसेंटली ये इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज किया गया है। तो दोस्तों आपको भी चेक करते रहना चाहिए कि SBI या फिर किसी और बैंक में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 7 to 45 डेज के लिए हमारा 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब दोस्तों ये 3% का इंटरेस्ट रेट क्या हमें 10,000 के डिपॉजिट में मिलेगा? तो दोस्तों ये एक्चुअली कैसे कैलकुलेशन होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन समझो 7 to 45 डेज के बीच में हम 7 डेज का जो टेन्योर है उसको कंसिडर करते हैं। तो हम हमारे कैलकुलेटर में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम सेट करेंगे जो कि 10,000 रुपए का है। आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है 3% का है और हमारा टेन्योर जो है 7 डेज का हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम डेज में 7 का जो नंबर ऑफ डेज है वो डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका मैच्योरिटी अमाउंट इतना होता है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इस चीज को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा 10,006 रुपए। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ?
हम इस चीज को लेंगे जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, माइनस करेंगे हम अमाउंट जो कि आपने ऑलरेडी डिपॉजिट किया है, इस सेल का मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये 7 डेज के लिए आपका प्रॉफिट 6 रुपीज का हुआ है। अब ये कैसे हुआ है हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं। तो दोस्तों बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि ये जो 3% का इंटरेस्ट रेट है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि साल का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आपको तो सिर्फ 7 डेज का इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि 3% को डिवाइड करना होगा 365 से ताकि आपको 1 दिन का इंटरेस्ट रेट मिले। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिखाए जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, जो कि बैंक की वेबसाइट होती है या फिर पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट हो सकती है, जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो साल के इंटरेस्ट रेट होते हैं। अब अगर आपको 1 दिन का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 365 डे से। अगर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। तो जैसे ही हम 3 / 365 करते हैं हमें ये 1 दिन का इंटरेस्ट रेट मिला। अब इस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिपॉजिट से जो कि 10,000 रुपए का है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से ताकि हमें 1 दिन का इंटरेस्ट अमाउंट मिले। तो दोस्तों इतना हमें 1 दिन का इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे ताकि हमें 7 डेज का इंटरेस्ट मिले। तो इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 5.75 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और यही सेम चीज राउंड ऑफ करके यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 6 रुपीज का आपका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको 7 डेज से लेके 45 डेज तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब समझो अगर आपने 45 डेज का भी रखा तो भी आपको 3% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में आएंगे, अगर ये 7 डेज के जगह 45 डेज करते हैं तो आपका 37 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट होता है। और जैसे ही आपका 46 डेज हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो 46 डेज से लेके 179 डेज जो है उसमें आपको 4.5% मिलेगा। तो 1 दिन अगर आप एक्स्ट्रा करते हो यहाँ पे 46 डेज, और फिर यहाँ पे आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 1.5% ज्यादा है, तो आपको 57 रुपीज मिल सकते हैं। तो जहां आपका 37 रुपीज था 45 डेज के लिए, 1 दिन एक्स्ट्रा अगर आप करते हो तो 20 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। अब दोस्तों ये 20 रुपए आपको बहुत ही कम लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का FD करते हो तो उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कुछ ज्यादा ही हो सकता है। तो ये आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितने समय तक उस अमाउंट को एज अ FD रखते हो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर 46 डेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो 57 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 180 डेज के लिए हम कंसिडर करेंगे तो 5.25% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर आपका इंटरेस्ट रेट 5.25 है, तो हम यहाँ पे 5.25% का इंटरेस्ट रेट डालेंगे, और फिर डेज जो है आपके 180 डेज हैं, तो यहाँ पे हम 180 डेज जो है उसको मेंशन करते हैं। तो 10,259 रुपीज का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट का फॉर्मूला भी एक्सटेंड कर देंगे। 211 डेज के लिए 5.75 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे हमने 5.75 इंटरेस्ट रेट डाल दिया, और फिर इसके अलावा 211 डेज का हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि टेन्योर है हमारा। सो 211 डेज, सो हमें 332 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। यही सेम चीज हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस फॉर्मूला को भी एक्सटेंड कर देते हैं। 211 डेज के अलावा समझो अगर आपने 1 साल से कम के FD किया है तो भी आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने 1 साल का FD किया तो आपको 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो कि है 6.75% का इंटरेस्ट रेट। तो उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी आप फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट देखोगे ये यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए है जो कि नॉन सीनियर सिटीजंस हैं। आप अगर राइट में देखोगे तो सीनियर सिटीजंस के लिए भी फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं, और दोस्तों ये ज्यादातर क्या होता है कि 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है सीनियर सिटीजंस के लिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स बुक करने जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर एक इंटरेस्ट पे यहाँ पे 0.5% ज्यादा यहाँ पे दिया हुआ है। 6.75 आपको नॉर्मली मिलेगा 2 ईयर से लेके 3 ईयर्स के FD पे, लेकिन सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 7.25% का इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों क्विकली इसी तरीके से ये FD कैलकुलेटर को यूज करके मैं ये बाकी के वैल्यूज भी यहाँ पे फील कर देता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपने 5 साल का एफडी बुक किया है, 6.25% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सालाना। आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 13,635 रुपीज का, और आपका टोटल प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो हो जाता है 3,635 रुपीज का। तो दोस्तों आपको इतना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आपने 10,000 रुपीज का एफडी बुक किया आज की डेट में, और आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब दोस्तों ये कम्प्लीटली आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये वाला जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है, ये तो हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। आप या तो 20,000 रुपीज का या फिर 50,000 रुपीज का भी एफडी बुक कर सकते हो, या फिर 1 लाख या फिर 2 लाख का भी डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 10,000 का नहीं करना है तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो आपका फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करना है। इसके अलावा आपको कितने टेन्योर के लिए बुक करना है। जितना ज्यादा लंबे समय के लिए आप एफडी बुक करोगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है किसी भी बैंक में। अब जहां तक बैंक की बात करें, आप सिंपली SBI इंटरेस्ट रेट जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। अगर आपका HDFC में सेविंग्स अकाउंट है जहां पे आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन करना है, तो आप सिंपली HDFC इंटरेस्ट रेट को सर्च कर सकते हो। और फिर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे करंट बैंक इंटरेस्ट रेट फॉर FDRD, ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको HDFC के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 2 CR, यानी कि 2 करोड़ से कम अगर आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, तो ये अपने उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए भी मेंशन किया है और सीनियर सिटीजन के लिए भी मेंशन किया है, जो कि 0.5% ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन सीनियर सिटीजन। तो जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, आप ये वाला FD कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आपका जो FD में इंटरेस्ट आपको कितना मिल सकता है वो चेक करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने FD का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों जहां तक FD इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल है, यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है वो हर 3 महीने में हो रहा है। तो आपको हर 3 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है, ताकि आगे आने वाले महीनों में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट को ओपन करना, और जानना चाहते हैं कि उनके फिक्स डिपॉजिट का जो भी अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से उनको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।